हमारे मंडल जी लेट आए। मंडल जी कैसा लगा आपको? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषय और आज मैं आया हूं पुणे में थाली खाने के लिए, मटन थाली। जगह का नाम है मराठा सम्राट और आसपास पता किया है, लोगों ने कहा है कि सबसे बेस्ट थाली यहां पे आपको मिलती है। फटाक से अंदर जाते हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं, एक आध दो बंदे हैं जो चिकन थाली खाने वाले हैं, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि कौन सी थाली खानी है और कितने की है। सो वीडियो को एंड तक देखें फॉर कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट रिव्यू, एंड लाइक करो अगर अच्छा लगता है तो। दिस इज मटन थाली। इसमें मटन सूखा आता है, कीमा है, मटन कीमा, मटन ग्रेवी और एक्स्ट्रा ग्रेवी साथ में विथ टू चपाती एंड राइस। और ये है यहाँ पे सैलेड और ये है यहाँ पे रायता है कुछ तो, है ना ये। सो अब खा के देखते हैं कि ये कैसा है। कहने के लिए दो चपाती है, लेकिन चपाती का साइज देखिए, काफी बड़ा चपाती है, बहुत बड़ा है ना, काफी बड़ा चपाती है। मटन में जब तक नींबू ना पड़े तब तक मटन का मजा नहीं आता है, तो मटन में नींबू जरूरी है, कीमे में भी जरूरी है और सूखे में भी जरूरी है। मुंह में इतना पानी है ना अभी कि अब बस खा लिया जाए। सो सबसे पहले मटन सूखा ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छा। उसको हमने बोला था कि भाई पीस अच्छे देना है, देखिए पीस अच्छे से पके हुए, एकदम मस्त, एकदम अच्छा पीस है। चलिए इसको खाते हैं अब और बताते हैं कैसा है मटन सूखा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो पूरा खाना खा के आपको बताता हूँ कैसा था। और मटन थाली, चिकन थाली, वेज थाली, तीनों का प्राइस क्या है वो आपको मिलेगा एंड में। दिस इज चिकन थाली। इसमें आता है एक चिकन सूखा, एग बॉइल भी आया इसमें, यस एग बॉइल एंड चिकन ग्रेवी, वन मोर ग्रेवी एंड दिस इज दही एंड दो चपाती एंड भाकरी। सो वरुण हाउस चिकन थाली, गुड स्पाइसी बट एडिक्वेटली स्पाइसी, रेकमेंडेड। व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, चिकन सूखा या ग्रेवी? द ग्रेवी ऑफ सूखा। अच्छा, इट्स गुड, वेरी डिलीशियस। चलो बढ़िया है जी। पाजी ने मटन थाली खाया है। पाजी मटन थाली में मेरी फ्रेश थाली दिखाऊंगा क्या था उसमें, आप बताइए खाना कैसा है। यार इट्स वेरी डिलीशियस, कीमा इज गुड, कीमा इज ऑसम यू कैन से। अच्छा चलो बढ़िया। और हमारे साथ मिस्टर प्रसाद भी हैं, ये वेजिटेरियन भाई हमारे, तो इन्होंने मेरी फेवरेट सब्जी खाई है यहाँ पे बैठ के, भिंडी दाल और ये क्या की सब्जी थी, एक और थी आलू और बैंगन। आलू और बैंगन, अरे बाबू भी मुझे पसंद है। सो हाउ वाज वेज थाली मिस्टर प्रसाद? भिंडी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा था कि नहीं पसंद है वो तो ठीक है, अच्छा था। अच्छा तो था, चिकन अच्छा था कि श्रीखंड अच्छा था? हाँ भाई, मेरे को लगा वेस्ट थाली में चिकन कैसा है, क्या श्रीखंड भी अच्छा था? सब अच्छा, तो रेकमेंडेड। हमारे मंडल जी लेट आए। मंडल जी कैसा लगा आपको? मटन में जिंदगी में नहीं खाया, किसी भी नहीं खाया। रवि तुम भी पूरी थाली खाई है ये इनका भाई साहब का अलग है, इनको भूख नहीं थी, पूरी थाली खाई इन्होंने बिना भूख के, ये खाता सबसे ज्यादा है। बट यस मंडल, थाली वॉज एक्सेप्शनल, मटन वॉज एक्सेप्शनल। मैं अभी अभी खा के निकला हूँ लाइफ की बेस्ट मटन थाली एट मराठा सम्राट। ट्रस्ट मी गाइस, इट वॉज अमेजिंग। मटन थाली में था मटन सूखा, मटन ग्रेवी, कीमा, रोटी, राइस एंड वो जो लिक्विड था वो क्लियर सूप जैसा कुछ था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अमेजिंग था। सो अगर आप पुणे में हैं और आपको मटन खाने की इच्छा है, इवन चिकन थाली वॉज ग्रेट, सो मटन खाने की इच्छा है, चिकन खाने की इच्छा है, थाली खाना है, यहाँ पे आओ और खाओ, लिटरली यू विल नॉट रिग्रेट इट। प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे है, मटन थाली वॉज समवेयर अराउंड 500-550 रुपीस, चिकन थाली भी थोड़ा सा उतना ही है। प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, बट इट्स वर्थ विजिटिंग, वर्थ विजिटिंग। सो अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिना मत जाएं। मिलते हैं आप सब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट सेटल फॉर एवरेज बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। टेक केयर, बाय बाय।